दोस्तों ये डीसी मोटर है, मेड इन यूएसए की बनी हुई, बहुत ही सिलेंडर की मोटर है। अच्छा, इसके मैं आपको आरपीएम बता दूं, 3200 इसके आरपीएम है और डायरेक्ट ये डीसी 230 वोल्ट पे चलती है। मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ। दोस्तों इसी टाइप की मोटर एक 5-6 के पंप को ड्राइव कर रही है। कई साल पहले मैंने उसकी वीडियो भी अपलोड की थी। 10 HP की डीसी मैग्नेटिक मोटर है। दोस्तों इसकी स्पेसिफिकेशन उल्टी नज़र आ रही हैं, मैं ज़रा कैमरे को ठीक करके आपको दोबारा दिखाता हूँ। ये मेड इन यूएसए की 10 HP की इम्पोर्टेड मोटर है, डीसी मैग्नेटिक मोटर, ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ, इस मोटर के साथ VFD इन्वर्टर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट आप पैनल को सीरीज़ करके इसको सोलर ट्यूबवेल पे भी और सोलर आटा चक्की पे भी चला सकते हैं। ज़बरदस्त मोटर है। दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी जो नई आने वाली अपडेट है वो आप तक पहुँचती रहे। अच्छा, इसके अंदर बुश होते हैं, ये इसके कनेक्शन है। बहुत पावरफुल मोटर है और तकरीबन ये 10 HP की मोटर बनती है क्योंकि इसके RPM बहुत ज़्यादा हैं, 3200। तो ये वीट ग्राइंडर आटा चक्की को आसानी ड्राइव कर सकती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा RPM की ज़रूरत होती है। इसकी छोटी सी पुली है जो कि 4 इंच की है। दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस मोटर के बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में रियाज भी का नंबर दूंगा, आप उस पर कॉल करके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।